दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बाहर जाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बना हुआ है। बाहर मीन्स अब्रॉड जाने का, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है और दूसरे देशों को जा रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और मेरे जो 10, 12, 15 साल से जो पेशेंट लगे हुए हैं, पेशेंट्स के पेरेंट्स आकर कई बार मुझसे कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी पूछते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो GNM या ANM कर चुके हैं, वो भी बाहर जाने के लिए तैयार हैं। मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर माइग्रेट कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब्स करने के लिए। दोस्तों, वही बच्चे हमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे IELTS के बारे में कि IELTS क्या है। तो आज का यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक वीडियो है, जो कि आपको बताएगा कि बाहर जाने के लिए जो IELTS टेस्ट है वो क्या है, इसे कौन कंडक्ट करता है, IELTS कितने तरह का होता है और IELTS किस किस तरह से आप दे सकते हो, IELTS को आप कैसे बुक कर सकते हो, IELTS देने के लिए आपको कौन सी साइट पे जाना है और IELTS का जो एकेडमिक फॉर्मेट है वो क्या है, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि IELTS का जो है रिजल्ट कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है और आपने कैसे उसके बाद प्रोसीड करना है। ये सारी बातें ही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर संजीव गोयल एक बार फिर से आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि IELTS क्या है। फुल फॉर्म जो है IELTS, IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। यह एक बहुत ही हाई स्टेक्स ग्लोबली ट्रस्टेड मीन्स सारी ही जगह पूरी दुनिया में जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ जहाँ भी इंग्लिश यूज़ की जाती है, वो चाहे काम के लिए आपने जाना है, चाहे आपने पढ़ने के लिए जाना है या फिर फुल फ्लेज्ड आपने वहाँ पर माइग्रेट होना है, तो उसके लिए आपको IELTS देना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि IELTS तकरीबन पूरे दुनिया के बहुत सारे देशों में इसे परमिशन मिली हुई है, इसे एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम ऐसे देश हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको IELTS देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भी हजारों ऐसी जगह हैं बाहर जहाँ पे इसको मान्यता, IELTS के टेस्ट को मान्यता मिली है, जिसके बेस पर आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है और आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल सकता है। ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए या ऐसे देशों में जाने के लिए IELTS एक बहुत ही रिलायबल इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। जिन्होंने भी बाहर जाकर एडमिशन लेना है या फिर बाहर जाकर कोई वर्क भी करना है, वर्क परमिट के लिए भी IELTS बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस सिस्टम को एक बैंड से लेकर 9 बैंड तक हम डिवाइड कर सकते हैं। बैंड 1 मीन्स जिसने कभी इंग्लिश ना पढ़ी हो ना बोली हो, उसे बैंड 1 आता है। और इंग्लिश 9, जो बैंड 9 है, वो जो पूरा इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाता है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश अच्छी बोल भी लेता है, लिख भी लेता है, सुन भी लेता है, उसको हम कहते हैं कि उसके 9 स्कोर जो है, बैंड स्कोर 9 आ सकता है। अब IELTS के बारे में मैं आपको बताता हूँ। IELTS इज अ कंसिस्टेंट टेस्ट, यानी कि यह डिफ़िकल्टी लेवल का बाकी टेस्टों के मुकाबले कंपेरेबल है। डिफ़िकल्टी लेवल इसका 1 to 9 तक जाता है। IELTS इज ए रिलायबल टेस्ट आल्सो, मतलब कि कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश प्रोवाइड्स अ राइग्रस टेस्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन प्रोसेस। तीसरा है, IELTS इज इंक्लूसिव मीन्स इसके जो टॉपिक हैं वो, क्योंकि IELTS जो है हर फील्ड का आदमी देता है, वो चाहे मेडिकल फील्ड का हो, नॉन मेडिकल का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, सारे ही स्टूडेंट्स IELTS दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स या जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है टेस्ट लेने के लिए, वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसे सारे ही बच्चों के लिए वो पढ़ने योग्य हो और टेस्ट देने के भी योग्य हो। IELTS को ओन कौन करता है, लेता कौन है? फिलहाल जो IELTS है उसको IDP, IELTS ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश काउंसिल एंड कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो इसको, चार ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो IELTS ओन करती हैं। अब हम जानेंगे कि IELTS कितने प्रकार का होता है, टाइप्स क्या है। एक्चुअली IELTS दो तरह का है,
आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जो है वो जनरल। अब आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आइल्स एकेडमिक के बारे में ही बात करेंगे। आइल्स एकेडमिक है जब आपने बाहर पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है तो आपको आइल्स एकेडमिक देना है। और आइल्स जो है वो यूके वीज़ा के लिए भी होता है। ज़्यादातर जो आइल्स है उसको हम यूके वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक अलग से डिलीवरी प्रोसेस होता है, एक अलग से टेस्ट लिया जाता है जिसके अंदर कुछ प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको एज ए स्पीकिंग टेस्ट देनी पड़ती है आइल्स का वीज़ा, यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आइल्स फॉर यूके वीज़ा। अब आइल्स दो तरह से दे सकते हो आप। आइल्स पेपर पे दे सकते हो, उसमें आपको पेपर और पेन पे एग्ज़ाम देना है, और आइल्स आप कंप्यूटर पे दे सकते हो। पेपर और पेन पे देने के लिए आपको जो स्पीकिंग होगी वो आपको फेस टू फेस आइल्स स्पीकर एग्जामिनर होता है, और उसी तरह कंप्यूटर पे तीनों मॉड्यूल जो हैं लिसनिंग के, रीडिंग के और राइटिंग के, वो आपको स्क्रीन पे होते हैं। कीबोर्ड दिया जाता है, माउस दिया जाता है, और अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो स्पीकिंग है वो उसी तरह आपकी फेस टू फेस बाय ट्रेंड आइल्स एग्जामिनर से होती है। अब आपको आ जाता है नेक्स्ट कि आप बुक कैसे करें। आपको अपना एग्ज़ाम अपने हिसाब से, अपनी डेट लेकर आप उसे बुक कर सकते हैं। आपको उसके लिए आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि लिंक मैंने इस वीडियो में नीचे दे रखा है, और आप इन पर्सन भी अपने आईडीपी सेंटर पर जाकर अपना जो टेस्ट है वो बुक करवा सकते हैं फ्रॉम ए ऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन पार्टनर। उसके लिए भी जो जो आपके आईडीपी आपके नियर सेंटर्स हैं उसकी भी मैंने लिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद आ जाता है आइल्स एकेडमी का टेस्ट फॉर्मेट क्या है। दोस्तों मैंने पहले बताया आइल्स एकेडमिक जो है उसमें फॉर्मेट में चार मॉड्यूल आते हैं, लिसनिंग आइल्स, एकेडमिक रीडिंग आइल्स एंड देन एकेडमिक राइटिंग आइल्स एंड एकेडमिक स्पीकिंग आइल्स। अब एकेडमिक लिसनिंग आइल्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक पेपर होता है जो कि 30 मिनट्स का आपको लिसनिंग देंगे, उसके बाद आपको 10 मिनट्स मिलेंगे, वो जो आंसर है आपने आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर लेने हैं। अगर आप कंप्यूटर से दे रहे हो तो सेम आपको लिसनिंग के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 मिनट्स मिलेंगे चेक टू चेक द आंसर्स, जिसमें जो आप लिसन करते हो उसमें चार रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाई जाएंगी और 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उस 40 क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है 1 मार्क्स होगा। उसी तरह आइल्स एकेडमिक रीडिंग है जो वो भी 60 मिनट्स की होती है, उसमें 3 एकेडमिक टेक्स्ट दिए जाते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चंस हैं उस वो बेस्ड क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आइडेंटिफाइंग एंड द राइटर्स व्यूज क्लेम्स, मैचिंग द इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैचिंग फीचर्स हो सकते हैं, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग हो सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट कंप्लीशन हो सकता है, टेबल कंप्लीशन हो सकता है, फ्लो चार्ट कंप्लीशन हो सकता है, डायग्राम लेवल कंप्लीशन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आइल्स रीडिंग में। उसके बाद अपने पास आता है एकेडमिक राइटिंग। राइटिंग में क्या है, आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, उसमें आपको दो तरह के टास्क दिए जाते हैं। टास्क वन जो है आपने 150 यानी कि 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, उसके अंदर आपको ग्राफ मिल सकता है, चार्ट मिल सकता है, टेबल या कोई डायग्राम, उसको आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो टास्क टू है उसके अंदर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी बात के बारे में पूछा जा सकता है, कोई आर्गूमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम के बारे में आपने लिखना है, जो कि मैक्सिमम 250 वर्ड्स तक आपने लिखना है। उसके बाद जो भी आपका टेस्ट लिया है उसको ट्रेनर जो हैं, जो एग्जामिनर है, वो चार क्राइटेरिया से उसको चेक करेगा आपको मार्क्स देने के लिए। उसमें क्या है कि टास्क अचीवमेंट, रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहिजन, देन लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या हैं, और आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी कितनी है। उसके बाद आ जाता है आइल्स स्पीकिंग, जो कि फेस टू फेस होता है, उसमें आइल्स का जो स्पीकर है, ट्रेनर है, वो आपके सामने बैठा होता है, उसको आपको टोटल 11 से 14 मिनट मिलते हैं, उसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले वो आपकी इंट्रोडक्शन या जनरल आपके साथ कन्वर्सेशन इंग्लिश में करेंगे, और उसके बाद आपको क्यू कार्ड मिलता है जिसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। उसके अंदर क्यू कार्ड में वो आपको किसी भी टॉपिक दे सकता है, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ टाइम देते हैं सोचने के लिए 1 मिनट, उसके बाद आपको बोलना
है। और उसके बाद थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है विद द एग्जामिनर इन इंग्लिश। और उसके अंदर फिर उसके फोर क्राइटेरिया हैं आपको मार्क्स देने के लिए, फ्लुएंसी है, देन लेक्सिकल रिसोर्सेज है, ग्रामेटिक रेंज है, एक्यूरेसी एंड प्रोनंसिएशन है कि आप अपनी इंग्लिश को किस तरह बोलते हो। तो उसके बाद आ गया इसका रिजल्ट, यानी कि आयल्स एकेडमिक आपने दे दिया। उसके रिजल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि आयल्स एकेडमिक ऑन द जो पेपर दिया आपने उसका रिजल्ट 13 दिनों में आफ्टर कंप्लीटिंग द फोर मॉड्यूल्स। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपके जो तीन मॉड्यूल हैं जिसमें आपका रीडिंग है, राइटिंग है और लिसनिंग है, वो आपका एक दिन में हो जाएगा विदाउट एनी ब्रेक। ऑथराइज्ड सेंटर पर जाकर आपको ये एग्ज़ाम देना है। और स्पीकिंग जो है वो एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता इस टेस्ट के बाद हो सकती है। ये आप ध्यान रखें कि तीन एक दिन में मॉड्यूल होने हैं विदाउट ब्रेक और एक मॉड्यूल आपका अलग से होना है। जैसे ही आपके चार मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं तो उसके 13 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने अपना जो आइल्स है वो कंप्यूटर बेस्ड दिया है तो उसका रिजल्ट 3 से 5 दिन में आ जाएगा। और अगर आपने आइल्स दिया है यूके वीज़ा के लिए उसका रिजल्ट भी 13 दिन में आपके पास आ जाएगा। और आप अपना टेस्ट देने से पहले जब भी आप टेस्ट बुक करते हो आप ये ऑप्शन है आपके पास कि आप अपना रिजल्ट कहीं भी 4 जगह पे फ्री में भेज सकते हो, जहाँ जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चाहिए आप वहाँ पे भेज सकते हो। अगर आपने उससे ज़्यादा जगह पे अपना आइल्स का रिजल्ट भेजना है तो बहुत ही एक मिनिमल सी फीस के साथ आप अपना आइल्स का रिजल्ट उन जगह पर भी भेज सकते हो। और इसके अलावा 28 डेज तक वो रिज़ल्ट आपका ऑनलाइन भी रहता है। हालांकि आपका जो रिज़ल्ट है ऑनलाइन वाला सिर्फ आपके लिए होता है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिडिटी नहीं होती। उसके लिए आपको रिटर्न जो आपका सर्टिफिकेट है आइल्स के रिज़ल्ट का वही दिखाना पड़ेगा। बहुत ही डिटेल में मैंने कोशिश की है कि आपको आइल्स के बारे में, आइल्स के एग्ज़ाम के बारे में बता दूं। फिर भी अगर आपको आइल्स एकेडमी के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट छोड़िए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो भी बाहर जाने के इच्छुक हैं या तैयारी कर रहे हैं आइल्स की, उनको भेजिए ताकि उन्हें आइल्स को समझने में आसानी हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।